कितने गुड है बच्चा। Drop it. What? Hold up. Everyone, welcome back to another vlog. Lights on karte hain taki thodi roshni ho jaye. Much better now, I guess. Main bhi abhi uthi hoon, as you guys just saw. First of all, I really, really want to thank all of you guys jinhone bhi mere liye duaen ki. Ek minute. थोड़ा सा दिल तो बनता है यू गाइस, थोड़ा सा। ओके, नज़ले वाला ब्लश लगा दिया, बट लगा हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू थैंक यू गाइस जिन्होंने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोरोना नहीं है, आई थिंक आप लोग का पता हो जाना चाहिए। मैंने इंस्टाग्राम पे अपडेट नहीं किया था क्योंकि बहुत सारे लोग लास्ट वाली वीडियो में मेरे कह रहे थे कि प्लीज़ यूट्यूब पर अपडेट कर दें। तो मुझे कोरोना नहीं है, बट मुझे जॉइंटस हो गया था, अभी भी है, आई एम स्टिल रिकवरिंग। काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है। सो बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए जो भी जिनको जॉइंटस अल्लाह ना करे हो, जस्ट फॉर द गाइडेंस, ऐसे इसको रखते हैं, जस्ट फॉर द गाइडेंस हम ये वीडियो बना रहे हैं। इन दिस वीडियो आई एम गोना लेट यू गाइस नो कि व्हाट डू आई ईट थ्रू आउट द डे, व्हाट डू आई ईट थ्रू आउट द डे। मिस्टर तोता, एक नया तोता हमारा आ गया है जो कि बोलने वाला है, बट अभी कि उसका मालिक चेंज हुआ है तो उसने कल मुझे काटा भी है। पर इसकी काट इतनी तेज नहीं है जितनी के बड़े दूसरे तोते की होते, जंगली तोता है मेरे ख्याल से। काफ़ी एक हफ्ते बाद व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मैं थ्रू आउट द वीक इतनी कोई येलो हो गई थी कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, जस्ट टू बी ऑनेस्ट, कि मैं कुछ व्लॉग करूं। अभी आई डिसाइडेड टू यू नो फाइनली कम बैक टू यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी बहुत वेकेशंस एंड छुट्टियां हो गई हमारी जॉब से, वापस आ जाए। आप लोग के सामने उठी थी एज यू गाइस सॉ। अभी इस वक्त बज रहे हैं 1:30 एंड मैं अभी क्योंकि मैं तो मेडिसिन खा कि मेरे मुँह का टेस्ट डिफरेंट हो गया है, तो मैं उठ के थोड़ा चाय एंड बिस्किट खाती हूँ, थोड़ा सा मेरा मुँह का टेस्ट चेंज हो एंड देन फिर हम लोग अपने खाने, जो भी मेरा थ्रू आउट का डे होता है, वो खाने की तरफ चल बढ़ते हैं। हेयर इज माई टी एंड माई बिस्किट आर देयर। एक चीज़ गाइस, जॉइंटिस में मुझे बेसिकली कहा गया है कि मुझे चाय नहीं पीनी है, चाय से मुझे दूर रहना है। मैं पी नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ डिप करके खाऊंगी बिकॉज यू गाइस नो मैं चाय की इतनी बड़ी क्रेजी फैन हूँ। तकरीबन एक हफ्ते से गाइस, एक हफ्ते से चाय नहीं पी है। इवन बाबा मुझे इस पर भी मना करते हैं कि बिस्किट के साथ भी नहीं खाओ, बट बहुत बहुत दिल करता है, बहुत दिल करता है। सो वो हम वो कर रहे हैं। सो जब तक मैं अपना चाय, ओके, सो जो नया तोता है दैट इज़ रियली मासूम सा एंड वो कैन यू गाइस हियर दैट, वो बात करता है, वो बात करने वाला तोता है। डिड यू गाइस हियर दैट, वो बात करने वाला तोता है, बट बेचारा भी बच्चा है एंड मालिक चेंज हुआ है तो थोड़ा सहमा सा हुआ है। तो जब तक मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, आप लोग जाएं सुबह में जब बाबा आते हैं और मुझे क्या खिलाते हैं, वहाँ से बेसिकली मेरा डे स्टार्ट हो जाता है, खाना खाने का, कुछ भी खाने का दिन स्टार्ट हो जाता है। सो आप जाएं एंड देखें, जब तक आई कंप्लीट दिस। अच्छा, तो मेरा खाना पीने का आगाज़ सुबह 7:15 से 7:30 के दरमियान हो जाता है जब भी बाबा आते हैं। तो सुबह मैं बेसिकली क्या खाती हूँ, सुबह में मैं मूली खाती हूँ, उसके साथ अनार और शुगर केन। सो गन्ना इज़ कॉन्स्टेंट, मैं जब भी जो भी फ्रूट खाऊंगी गन्ना वहाँ पर ज़रूर होता है। जितना ज़्यादा आप गन्ना खा सकते हैं दैट इज़ रियली गुड फॉर यू, जॉइंटिस में इट्स रियली नाइस, तो आप वो खाएँ। एंड आई हैव हर्ड कि मूली भी बहुत अच्छी होती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम मूली खाई थी इट वाज लाइक रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉलो बिकॉज उसका टेस्ट इतना कड़वा था, बट नाउ आई थिंक आई एम गेटिंग यूज टू इट, सो अब मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद मैं अपनी मेडिसिन लेती हूँ, मेडिसिन मैंने कौन सी ली वो वीडियो में आपको आगे पता चलेगा, एंड देन मैं सो जाती हूँ।
गाइस अभी बज रहे हैं 2 और मेरे है लंच का टाइम अब, क्योंकि मुझे चीज़ें डाइजेस्ट होने लग गई हैं, मुझे वॉमिट नहीं हो रही है. सो अब जो घर में पक रहा है आई एम ईटिंग दैट. मुझे नहीं पता अभी घर पे क्या पका है, फिलहाल शायद कीमा बना है, मुझे खुशबू आ रही है उस चीज़ की. सो आई ईट दैट एंड आफ्टर वर्ड्स आई हैव माई फ्रूट्स. सो मैं तब आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन से फ्रूट्स लेती हूँ. ओके गाइस, सो आई एम डन ईटिंग माय फूड. अब मैं खाने लगी हूँ फ्रूट्स. अभी मैं फ्रूट्स में खा रही हूँ ऑरेंजेस एंड शुगर केन एंड उसके बाद आई विल ईट 2 बनानास एज वेल. कल मैं इतना खा रही हूँ कि मैं खुद परेशान हो गई हूँ कि मेरा खाना जा तो रहा है पर किधर जा रहा है समझ में नहीं आ रहा. और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पी रही हूँ. ये बॉटल है ऑब्वियसली, इट्स अ बॉटल. तो ऐसी बॉटल मेरा टारगेट होता है कि ये पूरी एक बॉटल मैं दिन में कंप्लीट करूं, जो कि हो जाती है. और बॉटल ख़त्म हो जाती है रात में, मुझे और पानी चाहिए होता है, फिर मैं डिस्पेंसर से वापस भर लेती हूं हाफ तक एंड वो भी फिर रात में पूरा ख़त्म हो जाता है. सो पानी का गोल अच्छा जा रहा है. ऐसा लग रहा है मेरी भूख ना मिटी नहीं रही है, जो और भूख लग रही है, और भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है. हर वक्त भूख लगती है और हर वक्त दिल करता है मैं कुछ ना कुछ खाऊं. ऐसा नहीं चल सकता इस तरह, ऐसा नहीं चल सकता. ये नया मिट्ठू पुराने मिट्ठू से लड़ रहा है. आप आगे वाला मिट्ठू देख रहे हैं, वो है हमारा न्यू, एंड जो बेचारे रूठ के बैठे हुए हैं वो है हमारे पुराने मिट्ठू. लड़ रहे हैं दोनों. गुड आफ्टरनून. हाय. हाय. तो विल्दान आप लोग को हाय नहीं बोलता, कोई बात नहीं, मैं आप लोग को हाय बोल देती हूँ. विल्दान स्टिल स्लीपी बहुत. यार बालों में बहुत करंट आया हुआ है. सर्दियों से जो करंट आ जाता है ना बालों में, तो बहुत आया हुआ है. एनीवेज, तो अभी का क्या प्लान है, अभी मैंने क्या किया, पहले मैं आप लोगों को कहीं रख लूँ. इतने दिनों बाद मैं कैमरे से व्लॉग कर रही हूँ. अच्छा, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्नैकिंग की है अपनी, एप्पल की स्नैकिंग की है. मैंने एप्पल खाया है एंड वो मैंने व्लॉग नहीं किया बिकॉज मेरा कमरा बहुत एक वाइब में था, कमरे में अंधेरा था और मैं उठने का बिल्कुल मेरा मूड नहीं हो रहा था. विल्दान साथ भी सो रहा था मेरे, एक साथ सो रहा था, मैं उसको उठाना भी नहीं चाह रही थी. सो आई डिडंट ब्लॉक दैट. वी व्हाट वी आर अबाउट टू डू, स्केड्यूल करने से पहले आई रियली वांटेड टू शेयर द मेडिसिन दैट आई एम कंज्यूमिंग राइट नाउ, जो मैं ले रही हूँ. तो मेरी लास्ट ब्लॉग भी हुआ था, मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कि मैं अल्ट्रासाउंड करवा के आई हूँ एंड ब्लड टेस्ट देखे आई हूँ. ऑल्सो कोरोना टेस्ट भी था, दैट इज़ ऑल नेगेटिव. एंड जो मेरा ब्लड टेस्ट था उसके तो मैंने आपको रिजल्ट्स बता दिए थे, बट उसमें आया था कि मुझे जॉन्डिस है. एंड देन द अल्ट्रासाउंड उन्होंने बताया था कि अंदर से मेरे क्या, मुझे कहाँ दर्द है. सो दे टोल्ड कि मेरे लंग्स इन्फेक्टेड, मेरा एच बी इज रियली लो एंड वो तो खैर ब्लड टेस्ट से पता चला. बट मेरे गाल ब्लैडर की वॉल से बहुत, यू गाइस ऑलरेडी नो दैट. तक जो मैं मेडिसिन ले रही थी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ. मैं हेपामर्स सीरप, आई थिंक ऐसे प्रोनाउंस करेंगे. सो द सीरप जो मैं ले रही हूँ उस टाइम से लेके अब तक, थ्री सीरप ये है लाइसोविट, या
लाइसोबेट सिरप, सो सेकंड सिरप ये है. एंड उस वक्त तक मैं ये टैबलेट्स भी ले रही थी, नोविदाद, नोविदाद या नोविडाट, पता नहीं इसको कैसे कहेंगे, बट दीज आर दी टैबलेट्स दैट आई वॉज कंज्यूमिंग. मैंने जब मेरा हेपेटाइटिस ए एंड ई बोला गया था कि मुझे हेपेटाइटिस ए या ई हो सकता है, तब डॉक्टर ने बोला कि ना यू शुड स्टॉप टेकिंग दीज मेडिसिंस. तो तब से मैं नहीं ले रही हूँ. और ये हाँ, और ब्लड टेस्ट में ये भी आया था कि मेरे अंदर आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है. तो एक मरीज हूँ मैं, कमी है आयरन की. तो उसके लिए उन्होंने मुझे ये टैबलेट्स लिख के दी थी जो कि आयरन एंड विटामिंस, ये है फिफॉल विट, दीज आर दी कैप्सूल्स एंड दिस इज बेसिकली आयरन एंड विटामिंस विद फॉलिक एसिड. तो ये है आयरन की कैप्सूल. सुबह में जब बाबा मुझे नाश्ता तो नहीं, सुबह जब 7:15 तक मुझे जब टैबलेट्स देने आते हैं, खिलाने आते हैं, दो सीरप होती हैं, दैट इज़ इट. फिर रात में जब मुझे टैबलेट्स खिलाई जाती हैं दोबारा, जब मुझे डोज दिया जाता है, एक सुबह में मैं डोज लेती हूँ और एक रात में सोने से पहले या मतलब खाना खाने के बाद, रात के खाने खाने के बाद, तभी दो सीरप होती हैं और साथ में ये दिन में एक बार लेनी होती है एंड दैट इज मैं रात में लेती हूँ. और विटामिंस मैं ले रही हूँ वो हैं बायोटीन प्लस के विटामिंस बाय न्यूट्री फैक्टर, बाय न्यूट्री फैक्टर. दीज आर, ये जो टैबलेट्स हैं ये मेरी बीमारी से कनेक्टेड नहीं है, ये मेरी, मैं अपने खुद के लिए ले रही हूँ. इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोग को उन विटामिंस के बारे में जानना है जो मैं आजकल कंज्यूम कर रही हूँ, तो दीज आर दी विटामिंस होता है. डू लेट मी नो यू गाइज इन द कमेंट्स डाउन बिलो, अगर आप लोग इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, ये किस चीज़ के लिए है, क्या है एंड ब्ला 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 ब्ला, तो वो मैं सारा आपके लिए उस वीडियो में आपको मैं सब कुछ बता दूंगी. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, और मुझे कितना फ़र्क आया है, कितने टाइम से आया, मैं यूज़ कर रही हूँ, कंज्यूम कर रही हूँ बेसिकली, तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगी. 2 मिनट्स ज़्यादा बोल रही हूँ तो मेरी सांस में मसला हो रहा है, मुझे सांस रुक जाती है क्योंकि आई थिंक मैं इतने टाइम से मैं बोली ही नहीं हूँ, मुझे इतना हो रहा बोली ही नहीं हूँ मैं कि मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ. मैं आज बात कर रही हूँ आप लोगों से वरना मैं इतना बोली ही नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ तो मेरी सांस में बड़ा मसला हो रहा है. सो या ये थी चीज़ें जो मुझे आप लोग को अपडेट करनी थी. अभी हो गया है मेरे डिनर का टाइम, उसको बंद करेंगे और गन्ना खाएंगे और फिर आपसे हम बाद में मिलेंगे. लास्ट खाना मैं आपको दिखाऊंगी, बेसिकली रात में जो खाना बनाऊंगा वही खाऊंगी एंड देन फ्रूट्स, रात के फ्रूट्स. मेरा गन्ना इज़ कॉन्स्टेंट, वो मैं टाइम आएगा बताऊंगी कि एक जगह पे खड़े होके मैंने बहुत बातें कर ली हैं और बहुत ज़्यादा हो गया है, बस बढ़ गया है. ओके वही गाइस, आई अपडेट यू गाइस. ओके गाइस, आई फॉरगॉट टू अपडेट यू गाइस, मैंने अपना डिनर कर लिया है एंड यार अच्छा मैं वही सोच रही थी कि मुझे इतनी ज़्यादा भूख क्यों लग रही है. एंड मतलब मैं वो बंदी हूँ जो दिन में आधी रोटी खाती थी, बट अब मैं दोपहर में मैंने पूरी रोटी खाई और अभी मैंने पूरी रोटी खाई और स्टिल आई फील लाइक कि मैंने कुछ भी नहीं खाया है और मुझे और भूख लग रही है. दैट इज़ बिकॉज द सीरप विच आई एम टेकिंग ग्लाइसोबिट, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी, मुझे भाभी ने बताया कि वो बेसिकली भूख की सीरप होती है, उससे आपको बहुत भूख लगती है. सो दैट इज़ रीज़न मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है. बट खैर मैं अपना डिनर कर लिया, मैंने फ्रूट्स भी खाए, मैंने दो ऑरेंजेस, एक मौसम्बी एंड नाउ मैं अनार खा रही हूँ. यही आपको अपडेट करना था इस चीज़ पे. से हेलो, से हेलो, do it round and round, do it round and the mommy on the bus goes shh, 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 shh. Do it the baby on the bus go huh wow 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 the daddy on the bus go
के मिलना बेबी बेबी चिपूपू यस पैरेट पैरेट इज आउट बेबी बेबी यस मामा ईटिंग शुगर टेलिंग अ लाइ ओपन योर माउथ Then what are you? Butter. No, say guda bacha. Kati bacha. What? Oi, bachi, oi. Oi. Kati bubu. Lan kati. Did you eat the candy? Give me the candy. Come on, give me. Give me. Then she need candy. No candy. I want candy. Poo poo. This. This is not a candy, poo poo. It's my tent. This is not candy. This is not even candy. It's Vix. Do you want me to die or what? Parrot aata? Parrot aata? Oh, give me. ठीक है but parrot no but अच्छा तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मेरा कैमरा ब्लर है बट यहाँ पे बेसिकली मैं अपनी रात की मेडिसिन ले रही थी रात का जो डोज मेरा है वो मैं ले रही थी विथ दैट आयरन की कैप्सूल जो मैं रात में लेती हूँ ये जो इनको पकड़े सी उनको पकड़ना ये जो तोते लाने का ये जो घर का जू बनाने का इरादा है ना वो इनका है और यही सबसे ज्यादा है जो इनसे डरते हैं डरते नहीं पकड़ के अजीब होता है मेहरान यू कैन डू इट खा तो ले बेचारा पकड़ो तीसरा क्या मैं डरो नहीं पकड़ो कुछ नहीं करेगा उनको मार लगे ना नहीं लगेगी तुम अपनी फिक्र नहीं करो ज्यादा क्या मैं एक बार पकड़ लिया तो मैं पकड़ता रहूँ ऐसा समय नहीं अब वो एक दफा कब आएगा जब मेरा दिल चाहे हाँ गुड सो प्राउड ऑफ यू मेरा ओके तो मैं ये व्लॉग एंड करने लगी थी बट मैंने रियलाइज किया मैंने दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नहीं बताई हैं आई जस्ट गॉट माई रिपोर्ट्स अच्छा एक जो हेपेटाइटिस सी मैंने आपको बताया था कि मुझे नहीं है बट हेपेटाइटिस ई मुझे है घबराने की कोई बात नहीं है टाइम की टाइम साथ ही ठीक हो जाएगी बस मुझे बहुत ज़्यादा केयर करनी है फिर दो चीज़ें जो हैं जो मुझे बहुत मैं बहुत ज़्यादा स्किन टेक ले रही हूँ और विच इज़ रियली ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज वन शुगर केन मैं हर वक्त शुगर केन खाती रहती हूँ जब भी मुझे भूख लगती है शुगर केन खाती हूँ बट पेट उस नहीं भरता है बट मोस्टली मैं शुगर केन खा रही हूँ एंड देन रात में मैं ये जिसको हम चन्ने कहते हैं सो ये है चन्ने को मैं रात में चबाती रहती हूँ खाती रहती हूँ मतलब यू नो एक स्नैक की तरह मैं इनको खा रही हूँ I'm just going to end this vlog right here. I don't think so. मेरे पास कुछ और है आप लोग को बताने के लिए But if you guys have any questions, then do let me know in the comments down below, and मैं आपको उसका reply करूँगी. I'm gonna see you guys soon, inshallah, in my next vlog. Until then, take care of yourself, stay healthy, stay positive, stay safe. Yeah, Allah Hafiz. Fi amanillah, you guys.